इत्तेहाद न्यूज़ को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। आज का मौजू कैसे लाशों पर सियासत की जाती है। दो मामले, एक मामले में एक फर्द का कत्ल तो दूसरे मामले पांच लोगों का कत्ल। एक ही समाज के लोग मजलूम और मुलजिम हो तो इस पर किसी तरह का तबसरा नहीं होता। अगर कातिल और मक्तूल दो अलग अलग समाज के हैं तो इसे कैसे नफरत की आग भड़का कर सियासी रोटियां से की जाती है। लिहाजा आज के मौजू पर इसी पर तबसरा करेंगे। वैसे पूरे देश में राम मंदिर तामीर का चंदा वसूल किया जा रहा है, पर इसे भी किस तरह मजहबी तशद्दुद का रंग दिया जाता है इसकी कई मिसालें हमारे सामने आ रही हैं। अब तो टीवी एंकर भी यह कह रहे हैं कि मुल्क में भाईचारा चाहते हो, सद्भावना चाहते हो तो चंदा जरूर दो। चंदा देना या ना देना अब हर एक का अपना जाती मामला है। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च के लिए चंदे के लिए जबरदस्ती नहीं की जा सकती। खैर मामला यह नहीं है। कातिल और मकतूल दो अलग अलग मजहब से हो तो मुल्क की सतह पर इसे मसला बनाया जा सकता है। अब तो रिंकू शर्मा के कत्ल को हिंदू मुस्लिम बनाने की मुकम्मल साजिश रची जा रही है, उस पर अमल भी किया जा रहा है। हर शहर में इसे हवा दी जा रही है। बेलगाम शहर में भी बजरंग दल और हिंदुत्ववादियों की जानिब से मुतालबा पेश किया गया और कहा गया कि हिंदुत्ववादियों पर भारत में हमले किए जा रहे हैं। अब के दिल्ली पुलिस ने इसे पूरी तरह से रद्द कर दिया है। हासिल इत्तला के मुताबिक रिंकू शर्मा और ताजुद्दीन जाहिद मेहताब दानिश इस्लाम, जिन्हें दिल्ली पुलिस ने रिंकू शर्मा कत्ल में गिरफ्तार किया गया, मकतूल रिंकू शर्मा और दिगर तमाम दोस्त है और इन्होंने होटल का कारोबार शुरू किया था और इसी होटल के कारोबार के मद्देनजर यह कत्ल किया गया। लेकिन इसे किस तरह से दूसरा रूप दिया गया ये देखते हैं। अब जब होटल नहीं चला तो इसे बंद किया गया। हम सभी जानते हैं कि होटल क्यों बंद थे और पिछले एक साल से कारोबार की क्या कैफियत थी, पर हम सब बंद होते कारोबार पर सवाल नहीं उठाएंगे। खैर इसी के मद्देनजर इन पांचों में बहस हुई। पहले रिंकू शर्मा ने नसरुद्दीन पर हमला किया। ये भी बात अहम है कि रिंकू शर्मा का भाई मनु शर्मा वीएचपी का कारकुन है। एक पार्टी में पांचों शरीक थे और कारोबारी दुश्मनी को तशद्दुद में तब्दील किया गया। ताजुद्दीन जाहिद मेहताब दानिश को आखिर पुलिस ने रिंकू शर्मा के कत्ल के मामले में गिरफ्तार किया गया। दिल्ली पुलिस ने इस बात को पूरी तरह से रद्द किया हुआ है कि राम मंदिर चंदा के दौरान इसका कत्ल किया गया था। इस पर भाजपा और हिंदुत्ववादी घिनौनी सियासत करने का इल्जाम भी आम आदमी पार्टी ने इस कत्ल को मजहबी रंग देकर सियासी मुफाद हासिल करने की कोशिश भाजपा और हिंदुत्ववादी करने की बात कही है। कारोबारी बहस तशद्दुद में तब्दील हुई और कत्ल किया गया, पर इसे गलत दिशा में ले जाया जा रहा है, ऐसा आम आदमी पार्टी की जानिब से बार बार कहा जा रहा है। दिल्ली के मंगलपुरी इलाके में हुई रिंकू शर्मा के कत्ल पर समाज में नफरत फैलाने की साजिश है अंजाम दी जा रही है। पुलिस भी जो है इस मामले को लेकर यही बात बार बार कह रहा है कि इसमें किसी तरह का मजहबी एंगल नहीं है। बॉलीवुड के तथाकथित सेलिब्रिटीज से लेकर हिंदुत्ववादी तंजीमें और भाजपा के लोगों ने इस कत्ल पर गुस्से का इजहार किया हुआ। जाहिर है इंसान की जान लेना बहुत ही बड़ा जुर्म है, लेकिन सवाल यह भी है कि क्या इंसान की कत्ल पर सिर्फ उसी वक्त गुस्सा आना चाहिए जब कातिल किसी दूसरे मजहब का हो। अगर ऐसा है तो गुस्सा जाहिर करने वालों को न पीड़ित से सरोकार है और न इंसानियत से। इंसानियत का तकाजा है कि जुल्म किसी पर भी हुआ हो उसके खिलाफ गुस्सा जाहिर किया जाए, जरूरत पड़े तो एहतजाज या आंदोलन भी किया जाए। रिंकू शर्मा कत्ल के बाद मीडिया और मंगलपुरी में जो हो रहा है वह किसी से छिपा नहीं है, लेकिन क्या वजह है कि दिल्ली से सटे हरियाणा के रोहतक में पांच लोगों की जान लेने वाले सुखविंदर सिंह का नाम किसी की जबान पर नहीं है। रिंकू शर्मा की हत्या के कारण समाज में नफरत का एजेंडा चलाने की साजिश कर रहे हिंसाजीवी यानी कि आंदोलनजीवी वगैरह अल्फाज आते हैं, तो अब इसी के जमन में हिंसाजीवी गैंग को रोहतक के जाट कॉलेज के परिसर में बिखरी लाशें अभी तक नहीं दिखाई दी। उस पर खून क्यों नहीं खौल रहा? बॉलीवुड से आवाजें क्यों नहीं आ रही? पांच लोगों की जान लेने का मुजरिम सुखविंदर सिंह अभी पुलिस की गिरफ्त में आया हुआ है। उसकी गिरफ्तारी और फांसी की मांग करती गोली मारो गैंग की तख्तियां अभी तक क्यों नहीं दिखाई दी? सिर्फ इसलिए क्योंकि यह आपस का मामला है? लेकिन सवाल तो फिर भी रहेगा कि अगर मामला आपस का भी है तब भी क्या पांच लोगों का कत्ल मामूली जुर्म है? सुखविंदर सिंह कुश्ती का कोच था, लेकिन जुमा की रात उसने रोहतक के कॉलेज में पांच लोगों की जान ली। पुलिस शुरुआती जांच में मामला सामने आया कि मुजरिम कोच सुखविंदर सिंह का चाल चलन सही नहीं था, जिसके चलते उसके वालिद महर सिंह ने उसे बेदखल किया था, बीवी ने भी साथ छोड़ दिया था। आरोपी पहले महर सिंह अखाड़े में कोच था, उसके बाद वह जाट कॉलेज अखाड़े में कोचिंग देने लगा। यहाँ भी उसके चाल चलन ठीक नहीं थे। रोहतक के जाट कॉलेज में जुमा रात कुश्ती कोच ने अंधाधुंध फायरिंग कर
तीन कोच और एक खातून पहलवान के साथ दिगर पांच लोगों को मौत के घाट उतार दिया। गोली लगने से 3 साल का बच्चा और एक कोच शदीद जख्मी हो चुका है। पहले ही शिकायत में बताया गया था कि सुखिंदर उसे परेशान कर रहा और उस पर शादी का दबाव बना रहा था। इसी रंजिश में उस मुजरिम ने 5 लोगों का कत्ल कर दिया। लेकिन इस जारहाना जुर्म के खिलाफ कौन बोलेगा और क्यों बोलेगा? इससे ना तो कोई सियासी मुफाद हासिल होगा और ना ही समाज में नफरत के शोलों को हवा मिल पाएगी, क्योंकि कातिल और मक्तूल दोनों एक ही समाज से हैं, इसलिए यह आपस का मामला है। लेकिन रिंकू शर्मा की हत्या के नाम पर समाज में जहर घोलने के लिए टीवी पर जहरीली डिबेट होंगी। सोशल मीडिया पर एक मखसूस समाज को कटघरे में खड़ा किया जाएगा, इसके खिलाफ ट्रेंड भी चलाया जाएगा। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर नफरत की पाठशाला का भी एहतमाम होगा। दरअसल समाज का एक बहुत बड़ा गिरोह जहर खाने का आदि हो गया है। उसे दूसरे के लिए जहर सुनना पसंद है, ताकि उसकी छोटी जहनियत मनपसंद मौका मिलते ही अपनी भड़ास निकाल देती है। बाकी कत्ल तो इस देश में हर रोज होते रहते, शायद ही कोई दिन ऐसा हो जिस दिन किसी इंसान की हत्या या कत्ल न हुआ हो। लेकिन कत्ल हत्याओं पर सियासत कभी कभी ही की जाती है, कभी कभी ही टीवी का कैमरा मुतासिर खानदान की कैफियत दिखाता है। ऐसा अक्सर तभी होता है जब मजलूम और मुलजिम दोनों अलग अलग मजहब के, वरना ऐसी ही खामोशी इख्तियार कर ली जाती है जैसे सुखविंदर के जरिए 5 लोगों की हत्या पर इख्तियार की हुई है। इस पर एक अशार किसी शायर ने कहा कि किसी की उफ तलक बन जाती है अखबार की सुर्खियां, और कभी कभी किसी की लाश को लोगों की हमदर्दी तक नहीं मिलती। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।